विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में आदिवासी समाज द्वारा साप्ताहिक रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में सेगांव में आदिवासी समाज और जयेश के तत्वावधान में आज शुक्रवार हाट बाजार में विशाल रैली निकाली गई। रैली में डीजे की धुन पर युवा बालिकाएं और क्षेत्रीय विधायक केदार सिंह डावर सहित जयेश के पदाधिकारी और संभागीय संयोजक मोहन किराड़े जमकर थिरके। विशाल रैली में आदिवासी वेशभूषा में हाथों में तीर कमान लिए युवा चल रहे थे। रैली स्थानीय कृषि उपज मंडी से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार और चौराहे से होते हुए देवी श्री लालबाई फुलबे माताजी मंदिर परिसर पहुंचेगी। यहां पर रैली के समापन पर एक विशाल आम सभा का आयोजन किया जाएगा। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। आज ये रैली क्यों निकाली जा रही? 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में रैली निकाली जा रही है और आज हमारे यहाँ पे जो आदिवासियों के ऊपर अन्याय शोषण अत्याचार हो रहा है उसके चिंतन मनन करने के लिए आज सभा का आयोजन किया गया है। ये रैली कहाँ से कहाँ तक निकाली जाएगी? ये रैली अनाज मंडी से होते हुए लालबाई फुले माताजी तक आएगी और यहाँ पे आम सभा का आयोजन होगा। कितने लोग शामिल होने की उम्मीद है? करीब 7 से 8 हज़ार लोग शामिल होने की उम्मीद है। क्या नाम लिखते हैं? मोहन किराड़े, जयेश संभाग से। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में आज रैली का आयोजन किया जा रहा है, इसको लेकर आप क्या बोलना चाहते हैं? आज हमारी साप्ताहिक विश्व आदिवासी दिवस की रैलियों में आमसभा का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही मणिपुर में जो घटनाएं हो रही है आदिवासी समाज के साथ में, उसके विरोध में आदिवासी समाज काली पट्टी बांधकर इसका विरोध दर्ज करवाएगा और हमारी सरकार मौन धारण करके बैठी है, लेकिन आदिवासी समाज इस पर आवाज़ बुलंदी से उठा रहा है। क्या नाम लिखते हैं? कपिल पवार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।